राजपाल यादव, जिया मानके और मनोज पाटिल की आने वाली फिल्म काम चालू है का ट्रेलर मेकर्स ने जारी कर दिया है। ट्रेलर में राजपाल यादव अपनी बेटी की मौत का इंसाफ मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस फिल्म में राजपाल यादव का किरदार उनकी अन्य किरदारों से थोड़ा अलग है। बता दें कि यह फिल्म 19 अप्रैल को OTT प्लेटफॉर्म पर G5 पर स्ट्रीम होगी। ट्रेलर की शुरुआत कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ होती है, जिसमें एक कई सारी खबरों को दिखाया जाता है। इसके बाद जिया मानके और राजपाल यादव एक पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी के लिए न्याय मांगते हुए दिखाई देते हैं। फिल्म का ट्रेलर काफी इमोशनल कर देने वाला दिखाई देता है। ट्रेलर में कई ऐसे सीन हैं जिसे देख आप इमोशनल हो जाएंगे। अंत में आपको राजपाल यादव को वो चेहरा देखने को मिलेगा जिसे अब तक शायद आपने कभी नहीं देखा हो। बता दें कि इस फिल्म के जरिए जिया मानके फिल्मों में कदम रखने जा रही हैं। वह पहली बार राजपाल संग काम करती हुई देखी जाएंगी। इस फिल्म में जिया फिल्म में राजपाल की पत्नी का किरदार निभा रही हैं। कुरंगी नागराज दोनों की बेटी की भूमिका में है। फिल्म का निर्माण बेसलाइन स्टूडियोज और पाल म्यूजिक एंड फिल्म्स ने मिलकर किया है।